स्वागत है आपका E2E क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे फीचर लेखन पर। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि समाचार का एक प्रकार होता है फीचर लेखन, और फीचर लेखन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, महत्व क्या है, इत्यादि सभी बिंदुओं पर यह वीडियो संपूर्ण विश्लेषण के साथ उपस्थित हो रहा है आप सभी के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। फीचर लेखन की यदि बात करें तो पहले हम अर्थ को समझ लेते हैं। फीचर को अंग्रेजी में भी फीचर ही कहा जाता है, स्पेलिंग आपको यहाँ नजर आ रहा है, और हिंदी में फीचर को रूपक कहा जाता है। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु यही है और यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव भी निकल कर सामने आएगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आम भाषा में भी फीचर को ज़्यादातर लोग फीचर ही बोलते हैं हिंदी में, क्योंकि इसका प्राय प्रयोग में नहीं आता है, क्योंकि प्रयोजन मूलक हिंदी के तहत पत्रकारिता के क्षेत्र में हिंदी जो है वो विकास कर रही है। तो यहाँ साहित्यिक हिंदी या रूपांतरित या बहुत ही अधिक जटिल होने की आवश्यकता नहीं होती है। फंक्शनल हिंदी यानी प्रयोजन मूलक हिंदी के तहत अब लोग इसे फीचर ही बोलते हैं हिंदी में भी। तो फीचर का अर्थ क्या होता है? किसी प्रकरण संबंधी विषय पर प्रकाशित आलेख। फीचर का अर्थ क्या क्या हुआ? किसी प्रकरण संबंधी विषय पर एक प्रकाशित आलेख है। लेकिन ये जो लेख है ये संपादकीय पृष्ठ पर एक प्रकाशित एक महत्वपूर्ण लेख की तरह महत्वपूर्ण लेख नहीं होता है। यानी जैसे संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित एक लेख महत्वपूर्ण होता है, उस तरह से यह लेख महत्वपूर्ण नहीं होता है। संपादकीय पृष्ठ का मतलब हो जाता है किसी भी पत्रकारिता का जो मूल आत्मा स्वरूप जो बात है वो संपादकीय लेख में आता है। संपादक अपने उद्देश्य के बारे में, अपनी उपलब्धि के बारे में, अपने संपूर्ण आत्मा जो उसकी पत्रकारिता की आत्मा होती है या जिस उद्देश्य से वो जिस समाचार पत्र को वो निकाल रहा है उसके बारे में लिखता है। तो फीचर उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये महत्वपूर्ण कहाँ रखता है? आइए बात करते हैं फीचर की परिभाषा को, यहाँ से हम जान पाएंगे। तो DS मेहता के अनुसार रोचक विषयों की विस्तृत व मनोरम प्रस्तुति ही फीचर है। अब देखिए यहाँ बहुत अच्छी परिभाषा हमें प्राप्त हो रही है कि रोचक विषय की विस्तृत यानी काफ़ी विस्तृत होना चाहिए, उसमें कोई भी कोना ना छूटे, और मनोरम यानी वो हमारे मन को अच्छा लगना चाहिए। विस्तृत भी हो यानी काफ़ी लंबा चौड़ा विवरण हो और वो मनोरम हो, इन दोनों के तालमेल से जो प्रस्तुति होती है वो फीचर कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या है? सूचना देना, मनोरंजन करना, जनता को जागरूक बनाना। और फीचर का अंतिम लक्ष्य क्या है? ट्रेनिंग और मार्गदर्शन करना, यानी ये लोगों को सिखलाता भी है, मार्गदर्शित भी करता है। ये DS मेहता के अनुसार है। अब बात करेंगे डॉक्टर अर्जुन तिवारी के अनुसार मानवीय रुचि के विषयों के साथ सीमित समाचार जब चटपटा लेख बन जाता है तो वह फीचर की संज्ञा ले लेता है। यानी आप देख पा रहे हैं कि जब कोई समाचार चटपटेदार तरीके से प्रस्तुत किया जाए तो वह फीचर हो जाता है। यानी फीचर में आप मनोरंजन का अंश, उसमें व्यंग डाल सकते हैं, उसको जितना चाहे मर्जी उतना सजा सकते हैं। आम समाचार में इतनी छूट नहीं होती है, लेकिन फीचर लेखन में आप उसको थोड़ी काल्पनिक, थोड़ी रुचिकर और भी तरह तरह के जैसे कि चाट मसाले प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ लिखा दिख ही रहा है कि जब चटपटा बना दे, अब चटपटा बनाने से आप अर्थ ले ही सकते हैं। BD टंडन के अनुसार क्या है? फीचर एक प्रकार की अधगति है, जो यहाँ गदगति नहीं, ये अधगति ही होगा, यानी अधोगति की तरफ जाने वाला, डाउनफॉल में जाने वाला। ये फीचर एक प्रकार का अधगति है जो नीरस लंबा और गंभीर नहीं हो सकता है। फीचर एक प्रकार का ये ऐसा गति है जो कि नीरस लंबा और गंभीर नहीं हो सकता या मनोरंजक हो सकता है। हमें यह ध्यान देना है कि फीचर में मनोरंजन की चीज़ें कभी भी समाहित हो यह आवश्यक है। मनोरंजन की चीज़ें हमेशा यहाँ होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मनोरंजन की चीज़ें निकल जा रही हैं, ठीक है। तो विजय कुलश्रेष्ठ के अनुसार क्या है? फीचर एक ऐसा आलेख है, आलेख यहाँ कह सकते हैं, आलेख है जो समाचार के परिवेशों
समाचार के परिवेशों से समाचार रहित सम्मोहक वैचारिक क्षितिज का मनोरंजन स्पर्श लिए हुए सरस संक्षिप्त अभिव्यक्ति से संपन्न होता है। यानी कि विजय कुल श्रेष्ठ के अनुसार क्या है स्टेटमेंट, कि समाचार जो है ना जब अपने परिवेश से लिया जाता है तो वो सम्मोहक हो, यानी लोग उसके बंधन में बंध जाएं, वैचारिक क्षितिज भी हो, यानी उसमें थोड़ी थोड़ी वैचारिकी नजर आनी चाहिए, वो पूरी तरह से छिछलेदार ना हो, और मनोरंजन का स्पर्श लिए हुए भी वो सरस और संचित अभिव्यक्ति हो सकता है। मधुधनन के अनुसार क्या है, फीचर को शब्द चित्र कहा जा सकता है। आप देखिए यहाँ पर शब्द चित्र, शब्दों के माध्यम से जब हम एक चित्र खींचते हैं और पढ़ने वाले को वो दृश्य सदृश लगने लगे अपने मस्तिष्क में, अपने बिंब में, तो वो फीचर हो जाता है। फीचर लेख एक ऐसा शब्द चित्र होता है जिसमें जिसमें तथ्यों को स्पष्ट एवं प्रभावशाली विश्लेषण होता है, यानी तथ्य जो है काफी स्पष्ट होते हैं और प्रभावशाली विश्लेषण के साथ प्रस्तुत होते हैं। तो यहाँ पर फीचर के परिभाषा के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। फीचर लेखन का आयोजन चार चरण में संपूर्ण होता है। इन चार चरणों को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। फीचर लेखन का आयोजन होता कैसे है, फीचर लेखन करते कैसे हैं, तो सबसे पहले हम विषय वस्तु का चयन करेंगे, उसके बाद सामग्री का चयन करेंगे, उसके बाद फीचर का चयन करेंगे। किस फीचर कहने का मतलब एक तरह से फ्रेम भी मान सकते हैं कि किस तरीके से हमें किस प्रकार से इस विषय वस्तु को सजाना है, फिर शीर्षक देंगे, फिर निष्कर्ष देंगे। तो ये पांच बिंदुओं में पूरा होता है। तो यहाँ पर फीचर लेखन आरंभ में बहुत अच्छा होना चाहिए और मध्य घटना को विस्तार कर समझाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए, यानी मध्य की घटना को काफी विस्तार में यहाँ लिखना होता है। अंत में निष्कर्ष की तरह भी होता है, यानी अंत निष्कर्ष की तरह सामान्य होता है। जैसे आप कहीं भी निष्कर्ष देते हैं, इसमें आरंभ और मध्य का निचोड़ होना चाहिए, यानी निष्कर्ष ऐसा हो जिसमें आप आरंभ के बारे में भी थोड़ी जानकारी दें, मध्य के भी बारे में थोड़ी जानकारी दें, जैसा कि अमूमन हम लोग निष्कर्ष लिखा करते हैं। अब बात करते हैं फीचर लेखन के प्रकार पर। तो आप देखिए फीचर लेखन के प्रकार में सबसे पहला है व्याख्यान। व्याख्यान कैसा प्रकार है, प्रत्येक बिंदु पर व्याख्या विश्लेषण करना व्याख्यान कहलाता है, यानी हर छोटी से छोटी बात को जब आप विस्तृत कर रहे हैं, उसका व्याख्या कर रहे हैं, तो वो व्याख्यान फीचर कहलाता है। उसी तरह से ऐतिहासिक फीचर, किसी ऐतिहासिक घटना पर फीचर लेखन करना ऐतिहासिक फीचर लेखन कहलाता है। मानवीय रुचि, यानी परक फीचर लेखन आम आदमी की रुचि के अनुसार समसामयिक होना चाहिए, यानी मान लीजिए कि किसी व्यक्ति या बहुत अधिक एक पाठक वर्ग ऐसा है जो तत्कालीन तुरंत रिलीज हो रही फिल्मों के ऊपर काफ़ी चाव रखता है, तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो रिलीज हुई फिल्मों के बारे में अपना फीचर लेखन देते हैं, उसकी स्टोरी, उसकी डायरेक्शन, उसके तमाम चीज़ों के बारे में, तो फिल्मों में भी फीचर लेखन होता है। तो ये आम आदमी की रुचि के अनुसार होता है। फिर व्यक्ति परक, यानी किसी विशिष्ट व्यक्ति पर आधारित जो रचना होती है वह फीचर लेखन कहलाती है व्यक्ति परक में। विज्ञान आधारित भी होता है, अर्थात विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्टता के कारण विज्ञान के क्षेत्र पर फीचर लेखन किया जा सकता है। फीचर लेखन खेलकूद में भी होता है, फीचर का एक विषय खेलकूद हो सकता है। पर्व तथा उत्सव, किसी विशिष्ट त्यौहार आदि आधार पर फीचर लेखन का विषय भी हो सकता है। अर्थात हम ये समझ रहे हैं कि हर एक विषय वस्तु पर लेख लिखना और उसको चटपटे ढंग से मनोरंजन तरीके से उसमें विचार का भी पुट हो, उसमें थोड़ी समझदारी भी हो, थोड़ी बौद्धिकता भी हो, लेकिन मनोरंजन के साथ प्रस्तुत किया जाए, वह जो है फीचर लेखन का रूप रख लेगा। यानी हर विषय इसके लिए स्वतंत्र है, ये हर विषय में फीचर लेखन किया जा सकता है। ये ठीक थोड़ा थोड़ा ऐसे ही है जैसे कि हर विषय पर निबंध लिखा जा सकता है, लेकिन निबंध की अपनी सीमा होती है, उसे चटपटे तरीके से प्रस्तुत करना जरा मुश्किल होता है क्योंकि वो तरह से विषयबद्ध होता है। लेकिन जिस तरह से वो हर विषय के लिए स्वतंत्र होता है, उसी तरह से फीचर भी विषय के चयन के आधार पर मुक्त है, इसलिए फीचर लेखन के इतने प्रकार आपको नजर आ रहे हैं। उसी तरह से देखिए पारिवारिक, किसी पारिवारिक परिवार पर आधारित लेखन पारिवारिक फीचर लेखन कहलाएगा। फिर रेडियो फीचर लेखन भी है, ध्वनि व संगीत पर आधारित होती है, शब्द होते हैं मगर लिखे हुए, ठीक है। रेडियो फीचर लेखन भी, रेडियो पे भी प्रस्तुतियां होती हैं, उनकी कलात्मकता पर, उनके बिंदुओं पे भी लेखन चल रहा है। टेलीविज़न जिसमें ध्वनि संगीत चित्र आदि पर बात हो सके।
फोटो फीचर, चित्रों के माध्यम से इतिहास को समझाना फोटो फीचर लेखन कहलाता है। आप देखते हैं फोटो की एक अलग से गैलरी लगाई जाती है, बतलाया जाता है फोटो के माध्यम से सारी चीजों को, दृश्यों को, विकास यात्रा को दर्शाया जाता है, तो यह फोटो फीचर लेखन कहलाता है। अब देखिए यहाँ नोट में फैशन, स्त्री, यात्रा, समाज आदि भी विषयों पर फीचर लेखन किया जा सकता है, यानी कि फीचर लेखन में उसके प्रकार में विषय को लेकर पूरी तरह से छूट है। अब बात करेंगे जर्नलिज्म में फीचर के प्रकार, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ जो प्रकार है वो जर्नलिज्म के अनुसार है और उसमें 7 प्रकार के फीचर होते हैं। और ये देखिए प्रोफाइल फीचर आलेख, राउंडअप फीचर आलेख, हाउ टू फीचर आर्टिकल, पर्सनल एक्सपीरियंस फीचर आर्टिकल, रिव्यू फीचर आर्टिकल, ट्रैवल फीचर आर्टिकल, ऑब्विचरी फीचर आर्टिकल। ट्रैवलिंग पे जब आप यात्रा कर रहे हो या किसी चीज़ का आप रिव्यू लिख रहे हैं अपना या पर्सनल एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे हैं, तो ये सारे तमाम विषयों पे जर्नलिज्म पर आधारित इतनी प्रकार हमें प्राप्त हो रही है। आप चाहे तो इसकी व्याख्या सहज शब्दों में कर सकते हैं, काफ़ी आसान है, चाहे तो आप अपने दीर्घ प्रश्न के उत्तर में केवल इसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, जब शॉर्ट में आए या फिर लॉन्ग में आए किसी प्रकार से आप उत्तर लिखने में सक्षम हो सकेंगे। तो अब बात करते हैं एक अच्छे फीचर लेखन की क्या विशेषता होती है। आप चाहे तो इन सारे बिंदुओं का विश्लेषण भी कर सकते हैं, लेकिन यह इतना आसान है कि बिंदुवार ढंग से भी लिखा जा सकता है। अब देखिए फीचर लेखन की पहली विशेषता कि यह मनोरंजक होना चाहिए, इसमें ज्ञान अभी होना चाहिए, फीचर लेखन पढ़ने के पश्चात पाठकों का ज्ञान एक स्तर और ऊँचा हो जाना चाहिए, तो ज्ञानवर्धक हो या फीचर लेखन, मानवीय रुचि पर आधारित हो, चित्रात्मक भाषा शैली हो, चित्र के माध्यम से आप संपूर्ण यात्रा दिखा रहे हैं तो इसकी भाषा शैली चित्र हो, और जब चित्र रहेगा ना तो वो रोचक लगता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों की किताबों में कहानी के साथ साथ चित्र भी, वो भी रंग बिरंगे चित्र किताबों में रखे रहते हैं, और जैसे जैसे हमारी कक्षा ऊपर की ओर बढ़ती चली जाती है किताबों से चित्र गायब होते जाते हैं, टेक्स्ट बढ़ता चला जाता है। ठीक उसी तरह से फीचर में भी रुचिकर होता है जबकि आप चित्र के माध्यम से कंटेंट को प्रस्तुत करें, इसीलिए चित्रात्मक भाषा शैली अनिवार्य है। कल्पना का समावेश भी आवश्यक है, अगर आप कल्पना नहीं करेंगे तो वो चटपटेदार नहीं होगा, फिर पूरी तरह से वो साहित्य हो सकता है या इतिहास हो जाएगा या बौद्धिक निबंध हो जाएगा, लेकिन फीचर नहीं होगा, इसलिए कल्पना का समावेश आवश्यक है। लंबा व घुमावदार ना हो, क्योंकि ऊब जाएंगे लोग अपने मनोरंजन के लिए, और मनोरंजन के साथ साथ हल्के फुल्के ज्ञानवर्धन के लिए वो पढ़ना चाहते हैं, कम समय में अधिक से अधिक चीज़ें लेना चाहते हैं, इसलिए अगर लंबा और घुमावदार होगा तो लोगों को समझ नहीं आएगा। जिससे रुचि उत्पन्न हो, यानी फीचर ऐसा हो जिसमें और पढ़ने की रुचि जागे लोगों में, भावात्मक हो, तर्कसंगत हो, तर्क भी हो, गतिशील भी हो, कहीं भी उसकी गति नहीं टूटनी चाहिए, विचित्रता, रोचक होना चाहिए, तभी तो लोग आकर्षित होंगे उसकी तरफ, तथ्य एवं उनके प्रभाव सही होने चाहिए, आंकड़ा सही हो, अन्यथा झूठा व अविश्वसनीय माना जाता है, यानी अगर आंकड़ा सही नहीं होगा तो वो झूठा फीचर लेखन माना जाएगा, फिर तो वो कोरी कल्पना, एक कोरी कहानी जैसी होगी, फीचर लेखन नहीं होगा, इसलिए तथ्य का ठीक रहना काफ़ी आवश्यक है। ज्ञान व भावना, संवेदना जगाने की कला है और ये भी फीचर लेखन में निहित होनी चाहिए। तो इस तरह से इतने सारे बिंदु हमें नजर आ रहे हैं फीचर लेखन की विशेषता के बारे में। अब बात करेंगे फीचर लेखन विधा, तो फीचर लेखन विधा से जरूरी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह यह है कि फीचर लेखन पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण विधा है। फीचर लेखन समाचार लेखन के विपरीत होता है। आप ध्यान दीजिएगा पत्रकारिता की एक महत्वपूर्ण विधा तो है ही, लेकिन ये समाचार लेखन से पूरी तरह विपरीत है। मैंने अभी अभी ही कहा कि जब आप समाचार लिखते हैं तो उसमें थोड़ी गुंजाइश नहीं होती है कि आप मनोरंजन पुट डाल सके, घटना कब, क्यों, कैसे, कहाँ घटी है, इन सारी चीज़ों की विस्तृत जानकारी ही देनी होती है। उसमें जरा सा भी आप विषय से हटके या विषय में केंद्रित रह के भी आप इधर उधर की बातें नहीं कर सकते हैं, इसलिए समाचार लेखन के विपरीत होता है। समाचार तत्कालिक घटनाओं पर लिखा जाता है, जबकि फीचर अकस्मात आने वाले समाचार पर, अकस्मात अर्थात अचानक। स्पष्ट याद रखिएगा कि फीचर जो है अचानक जो चीजें आती हैं ना उस पर लिखा होता है, जबकि मूल समाचार जो है वो तत्कालिक घटनाओं पर, तुरंत तुरंत अभी जो घटना घटी है उस पर लिखा जाता है। आधुनिक युग में फीचर अर्थात रूपक की परिभाषा बदल गई है। अब देखिए पुनः यहाँ पर एक बार मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि फीचर अंग्रेजी का शब्द है और इसका हिंदी पर्याय रूपक है, लेकिन हिंदी पत्रकारिता में भी रूपक के स्थान पर फीचर शब्द का ही प्रयोग प्रचलित है।
फीचर वह पत्रकारिता की रचना है जिसके माध्यम से उसका लेखक पाठक को अपने अनुभव और अपने से भिन्न व्यापक जन समूह की भावना से साक्षात्कार कराता है। यानी फीचर का महत्व क्यों है? लेखक अपनी भावनाओं को लिखकर, क्योंकि उसमें रोचकता है, उसमें ज्ञान है, उसमें तथ्य है, मनोरंजन के साथ वो प्रस्तुत करता है पाठकों के सामने में, और पाठक जो है उसे पढ़ के उन सारी दुनिया को देख पाता है लेखक के नजरिए से। हर विधा में इतनी छूट नहीं होती है। पुरानी मान्यता है कि जो समाचार नहीं है वह फीचर है, लेकिन आधुनिक युग में फीचर की यह परिभाषा उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अब फीचर भी समाचार जितना ही ज्ञानवर्धक हो चला है, समय के साथ इसमें परिवर्तन आ रहा है। अब बात करेंगे आगे कि प्रख्यात अमेरिकन पत्रकार रॉबर्ट रिचर्ड्स के अनुसार मानवीय संवेदनाओं का संस्पर्श ही सफल फीचर का रहस्य है। मानवीय संवेदना, मनुष्य कब कहाँ क्या महसूस कर रहा है, आवश्यक नहीं है कि वो अपने हर संवेदना को, अर्थात अपने सुंदर वेदना को, अपने हर्ष, अपने दुख, अपने क्रोध, ये सब कुछ भलीभांति प्रकट कर सके। तो इसके लिए साहित्य की अनेक विधाएं हैं, और इन्हीं विधाओं में से फीचर लेखन जो है मानवीय संवेदनाओं को प्रस्तुत करता है। कुछ लेखकों का मानना है कि मानव की भावनाओं तथा मन को प्रेरित करने वाला लेख ही फीचर है, क्योंकि इसमें ज्ञान के साथ साथ थोड़ी मनोरंजन होता है। वे अपनी नज़र से दुनिया को देखते हैं या लेखक की नज़र से देखते हैं, उन्हें थोड़ा आश्चर्य होता है, तो ये सारी बातें उनके मन को, उनकी संवेदना को थोड़ा राहत प्रदान करती हैं। वास्तव में फीचर किसी न किसी मानवीय भावना जैसे प्रेम, करुणा, घृणा आदि के इर्द गिर्द ही घूमता है। ये महत्वपूर्ण विशेषता भी है या फीचर के बारे में आप इस बात को और भी स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं। फीचर किसी रोचक विषय का मनोरंजक शैली में विस्तृत विवेचन है, यानी इसकी शैली मनोरंजक होनी चाहिए। फीचर समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाला किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, स्थानीय परिवेश से संबंधित व विशिष्ट आलेख है। यानी समाचार पत्रों में तो प्रकाशित होता ही है, लेकिन घटना, जीव जंतु या स्थानीय परिवेश कहीं से भी, जो कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता कौशल के साथ मनोरंजन और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। बार बार ये बात रिपीट हो रही है कि मनोरंजन इसमें आवश्यक है, कल्पना इसमें आवश्यक है, आकर्षक शैली आवश्यक है, और सृजनात्मक कौशल भी। यानी आप किसी भी चीज को कितने बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर पा रहे हैं, ये सृजन करने की कला, निर्माण करने की कला, और इस कार्य की कुशलता के साथ फीचर लेखन जो है संपन्न होता है। अब देखिए, फीचर पत्रकारिता की आधुनिक विधा है, इस बात को गौर से देखेंगे, आप इसको शुरुआत में भी लिख सकते हैं। हमारे देश में पत्रकारिता का जन्म आज़ादी के आंदोलन के एक हथियार के रूप में हुआ है, यह बात एकदम स्पष्ट रखिएगा, क्योंकि जिस वक्त अंग्रेज हमारे अभिव्यक्ति को दबा रहे थे, जनसंपर्क तोड़ना चाहते थे, उसी वक्त और प्रबल तरीके से लोगों के भीतर पत्रकारिता का जन्म हुआ। उन्होंने अलग अलग अनुभव के जरिए या फिर अलग अलग आइडिया के जरिए उन्होंने पत्रकारिता को मजबूत किया। तो इसी तरह से फीचर लेखन का भी जन्म पत्रकारिता के हिस्से आता है, या समाचार लेखन भी आप कह सकते हैं। अब देखिए, फीचर लेखन की तकनीकें, क्या क्या तकनीक है फीचर लेखन की, इस पर जरा बात करते हैं। किसी भी समाचार पत्र व पत्रिका में किसी विषय विशेष पर कई प्रधान लेख प्रकाशित होते हैं। यह आवश्यक है कि समाचार पत्र में या पत्रिकाओं में कई विषयों पर लेख आते हैं तो वह फीचर लेखन कहलाता है। यानी किसी विशेष विषय पर कई प्रधान लेख, यानी कि इसका सीरीज भी आ सकता है, वो विषय खास हो और सीरीज के जरिए भी उस पर महत्वपूर्ण विश्लेषण और मनोरंजक रूप में हो सकता है, तो ये फीचर कहलाएगा। फीचर संवादों की गहराई में प्रवेश करता है, यानी कि जब कोई कथन कहा गया है तो उसके कितने मायने हैं और उनका प्रभाव किन किन लोगों पे या किन किन वस्तुओं पे या किन किन स्तरों पे कहाँ कहाँ पड़ रहा है, ये देखा जाता है। तो संवादों की गहराई भी देखते हैं इसमें। जहाँ समाचार में संक्षिप्तता होती है, यानी वो काफ़ी संक्षिप्त छोटा होता है, वहीं पर फीचर में विस्तार की स्थिति प्रबल होती है, यानी इसमें जितना विस्तार करें उतना अच्छा है। फीचर लेखन की विशिष्ट शैली होती है, जिसकी तकनीक के प्रमुख आधार इस प्रकार है। अब आप देखिए,
पहला समाचार साधारण व जनभाषा में प्रस्तुत होता है, जबकि फीचर की शैली जो है वो विशिष्ट होती है, खास तरह की शैली में लिखा जाता है। समाचार बिल्कुल भिन्न होता है, समाचार दो टूक बात करता है, कट टू कट, लेकिन फीचर में विस्तार की संपूर्ण गुंजाइश होती है। यह एक विशेष वर्ग व विचारधारा पर केंद्रित होता है, यानी फीचर में जब हम किसी चीज पर टॉपिक उठाएंगे तो किसी न किसी एक पॉइंट नोट करेंगे कि हमें इस मुद्दे पर इस वर्ग से संबंधित बातें ही विशेष कर रखनी है। फैलाव उसमें होगा लेकिन एक केंद्र पर आधारित होगा। समाचार हर पत्र में एक ही स्वरूप में होते हैं क्योंकि उसके तथ्य अपरिवर्तनीय हैं। समाचार में तथ्य नहीं बदल सकते हैं, घटना जहां हुई, जिस प्रकार घटित हुई, जिस तरीके से उसको अंजाम दिया गया या उससे जो लोग प्रभावित हुए, कम से कम ये कुछ 3-4 ऐसे जरूरी फैक्ट्स हैं जो बिल्कुल नहीं बदलते हैं। जबकि एक ही विषय पर अलग अलग पत्रों में लिखे गए फीचर अलग अलग प्रस्तुति लिए होते हैं, जबकि फीचर में ये सुविधा है कि आप एक ही मुद्दे पर अलग अलग नजरिए से उस फीचर लेखन कर सकते हैं, अर्थात एक ही विषय पर अलग अलग तथ्यों के जरिए आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। फीचर के साथ लेखक का नाम प्रकाशित किया जाता है। फीचर में अतिरिक्त साज सज्जा से लेकर तथ्य व कल्पना का रोचक सम्मिश्रण होता है, यानी तथ्य तो है ही और कल्पना भी, इन दोनों का समावेश, ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इस फीचर लेखन के इस पॉइंट को आप महत्वपूर्ण तरीके से नोट कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछा जा सकता है। घटना के परिवेश, विविध प्रतिक्रियाएं व उनके दूरगामी परिणाम फीचर में समाविष्ट होते हैं, अर्थात घटना का परिवेश कहाँ है, किस तरीके के परिवेश में घटा है, एटमॉस्फेयर क्या है, उसके ऊपर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, फिर इसका दूरगामी परिणाम क्या है, ये सब कुछ, यानी संपूर्ण विश्लेषण, अर्थात संपूर्ण विश्लेषण। समाचार में क्या होता है कि जब हम एक विषय पर समाचार मिला, एक मुद्दे पर, तो इसके प्रभावों को तो लिखते हैं लेकिन धीरे धीरे चल रहे होते हैं, लेकिन इस फीचर लेखन में जब विस्तार कर रहे हैं तो उसके विभिन्न पृष्ठों पर, विभिन्न आयामों पर करते हैं। उद्देश्य परक रूप में फीचर लेखन फीचर तथ्यों की गवेषणा या खोज के साथ लक्ष्य प्रशिक्षण, मार्गदर्शन व मनोरंजन का संसार प्रस्तुत करता है, यानी वो लक्ष्य देता है, वो ट्रेनिंग देता है, एक अच्छा गाइड के रूप में प्रस्तुत होता है, गवेषणा अर्थात खोज, तो इन सारी विशेषताओं से ये भरा हुआ है। अब बात करेंगे समाचार और फीचर लेखन में भेद क्या है, स्पष्ट समझिए। समाचार तथ्यात्मक रिपोर्ट मात्र होता है, उसमें फैक्ट्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। फीचर आलेख तथ्यों का ललित भाषा और व्यक्ति की शैली में भावनात्मक प्रस्तुतिकरण है। ललित मतलब कहते हैं साधारण अथवा सरल, साधारण सुंदर भी कह सकते हैं, सरल भी कह सकते हैं, ठीक है, ललित का मतलब यही होता है। और व्यक्ति की शैली, एक आम आदमी की शैली काफी साधारण सरल होती है, अर्थात ललित भाषा होती है, और भावनात्मक प्रस्तुतिकरण, तो ये मूल अंतर है। फीचर की भाषा अधिक चुस्त होती है, जटिल होती है, साहित्यिक होती है। फीचर लेखन में लेखक अपनी भावनाओं, धारणाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होता है, लेकिन समाचार में ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो ये तो महत्वपूर्ण बात है कि फीचर लेखन में आप इसको इतनी स्वतंत्रता से प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं विषय प्रतिपादन या भूमिका। अब हम बात करेंगे फीचर लेखन के फॉर्मेट पर, ठीक है। तो फीचर लेखन का फॉर्मेट हमारा ये कहता है कि विषय की प्रतिपादन अच्छे से होना चाहिए या भूमिका। तो फीचर लेखन की संरचना के इस भाग में, फीचर के कह सकते हैं उसका जो मुख्य भाग है, वो व्याख्यायित करने वाले विषय का संक्षिप्त परिचय या सार दिया जाता है। यानी जो मुख्य भाग है ना, उसमें हम सबसे पहले सारांश दे देते हैं कि पूरा फीचर लेखन पर क्या विषय है, आधारित है, ताकि उस संक्षिप्त सार को पढ़ के पाठकों की रुचि जागे, फिर वो संपूर्ण विश्लेषण पढ़ने में रुचिकर हो सके। तो भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। इस संक्षिप्त परिचय या सार की कई प्रकार से शुरुआत की जा सकती है, किसी प्रसिद्ध कहावत से, उक्ति के साथ, या विषय के केंद्रीय पहलू या चित्र के वर्णन के साथ, या घटना की नाटकीय प्रस्तुति करके, या विषय से संबंधित कुछ रोचक सवाल पूछकर, किसी भी तरीके से स्वतंत्रता है कि आप भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं। भूमिका का आरंभ किसी प्रकार से किया जाए, इसकी शैली रोचक होनी चाहिए। ये ध्यान देने वाली बात है कि शैली को रोचक होना काफ़ी जरूरी है।
अगर शैली रोचक नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा। फिर मुख्य विषय का परिचय इस तरह से देना चाहिए कि वह पूर्ण भी लगे, लेकिन उसमें ऐसा कुछ छूट जाए जिसे जानने के लिए पाठक को पूरा फीचर पढ़ना पड़े। यानी पाठक के भीतर ये ललक उत्पन्न हो कि वो फीचर को पूरा पढ़ के ही माने। यानी भूमिका ऐसी हो कि उसमें सारांश भी पता चले, सारांश पढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसा छूट जाए, कुछ ऐसा अधूरापन लगे जिससे कि वो पूरा फीचर पढ़ने के लिए बाध्य हो। अब बात करते हैं विषय वस्तु की व्याख्या, ठीक है। तो फीचर की भूमिका के बाद विषय की या मूल संवेदना की व्याख्या की जाती है। इस चरण में फीचर के मुख्य विषय के सभी पहलुओं को अलग अलग व्याख्यायित की जाता है। अलग अलग व्याख्यायित नहीं करेंगे तो फिर वो स्पष्ट नहीं होगा और विस्तार नहीं हो सकेगा। लेकिन सभी पहलुओं की प्रस्तुति में एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष क्रमबद्धता होनी चाहिए। ये देखिए, क्रमबद्धता आवश्यक है और फीचर को दिलचस्प यानी रोचक बनाने के लिए उसमें मार्मिकता, कलात्मकता, जिज्ञासा, विश्वसनीयता, उत्तेजना, नाटकीयता आदि का समावेश करना चाहिए। जब आप विषय वस्तु की व्याख्या कर रहे हैं तो इसमें इन सारे तत्वों का होना अनिवार्य है, वरना फीचर में फिर रोचकता नहीं आ सकेगी। अब बात करते हैं फीचर और लेख में अंतर क्या है। हमने अभी तक जाना कि फीचर और समाचार में क्या अंतर है, लेकिन फीचर लेखन एक तरफ, सामान्य लेख एक तरफ। आपके मन में सवाल उठ सकता है कि लेख में भी तो इसी तरह की चीजें होती हैं। लेकिन देखिए, लेख और फीचर में बहुत कुछ समानताएं होती हैं, लेकिन फिर भी दोनों का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है। दोनों में एक समानता यह होती है कि दोनों की लेखन शैली समाचार लेखन से पूर्णतः भिन्न है। फीचर लेखन के लिए विशेष तौर पर अनुभूतियों, भावनाओं, अवलोकन तथा कल्पनाशीलता की आवश्यकता होती है। फीचर को मजेदार, दिलचस्प और दिल पकड़ होना चाहिए। लेख हमें शिक्षा देता है जबकि फीचर हमारा मनोरंजन करता है। फीचर में हास्य कल्पना का भी सहारा लिया जा सकता है। अब फीचर लेखन में जो ये विशेषताएं आपने यहाँ देखी, ये लेख में नहीं आ सकता है, ये आवश्यक है। क्योंकि अगर लेख में आएगा तो फिर लेख लेख नहीं रह जाएगा। लेख को कह सकते हैं कि निबंध का एक दूसरा रूप ही हो जिसमें केवल जानकारी हो, तथ्य हो, मनोरंजन और इस तरह से दिलचस्प बनाने की कला लेख में नहीं होती है। अब बात करते हैं फीचर लेखन के प्रकार पे। तो आप एक बार पुनः देखिए कि विभिन्न सामाजिक घटनाओं, व्यक्तियों, स्थानों, पदार्थों, जीव जंतुओं, वैज्ञानिक, सामाजिक अनुसंधान आदि सभी विषय पर फीचर लेखन किया जा सकता है। हम इसके आरंभ में भी ये बात पढ़ चुके हैं कि फीचर लेखन के लिए विषय जो हम चुनाव करें वो स्वतंत्र क्षेत्र से कर सकते हैं। घटनाओं में निहित मानवीय रुचि के पहलू से लेकर किसी विशिष्ट व्यक्ति का जीवन, साधारण व्यक्ति की विशिष्ट उपलब्धि, अगर कोई साधारण सा व्यक्ति है वो काफ़ी कुछ अजीब कर चुका है, उस पर फीचर लेखन हो सकता है। ऐतिहासिक स्मारक, नगर, नदी, पहाड़, आभूषण, परिधान आदि से लेकर पर्यावरण प्रदूषण तक भी आप फीचर लेखन कर सकते हैं। इसमें विषय को लेकर कोई बाध्यता नहीं है। कुछ फीचर लेखन विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक ना होकर चिंतन प्रधान भी होते हैं। यानी वो हमें सोचने पर विवश करते हैं और अपनी स्थिति पर पुनर्मूल्यांकन के लिए भी मजबूर करते हैं। तो फीचर की रचना और लेखन क्या है, एक बार स्पष्ट देखिए कि फीचर पत्रकारिता की एक ऐसा विधा है जिसमें लेखन को किसी खास सीमा में नहीं बांधा जा सकता। बार बार इस बात को रिपीट करके आप समझ लीजिए कि किसी खास सीमा में यदि हम बांध देंगे तो फीचर की आत्मा जो है वो नष्ट हो जाएगी। और फीचर लेखन का मुख्य नियम ही है कि ये आकर्षक हो, तथ्यात्मक हो और मनोरंजक हो। मोटे तौर पर फीचर लेखन में 5 मुख्य बातों का ध्यान रखा जाता है कि ये सब मनोरंजक हो जाए, इसमें आकर्षक तथ्य हो। तथ्यों का संग्रह अब देखिए कैसे करेंगे हम। मूलतः हमें ये जानना है कि जब हम फीचर लेखन में 5 मुख्य बातों का कर रहे हैं संकलन, तो उसमें पहला है तथ्यों का संग्रह। जिस विषय या घटना पर फीचर लेखन किया जा रहा है उससे जुड़े तथ्यों को एकत्र करना सबसे जरूरी है। यदि आप तथ्य का संग्रह नहीं करेंगे तो आप बातें नहीं लिख पाएंगे, और जितनी अधिक जानकारी होगी फीचर उतना ही उपयोगी होगा और रोचक बनेगा। तथ्यों के संग्रह में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि तथ्य मूल स्रोत से जुटाए जाएं।
ये आवश्यक है। मूल स्रोत, अगर आप फीचर लेखन में कॉपी कर रहे हैं, कहीं पेस्ट कर रहे हैं, तो ये फीचर लेखन की मौलिकता को खत्म कर देगा। फिर फीचर का उद्देश्य भी ध्यान देना चाहिए। फीचर लेखन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि किसी घटना या विषय पर जब लेख लिखा जा रहा है, आप फीचर लिख रहे हैं, तो उद्देश्य तय कर ले। बिना उद्देश्य तय किए हुए फीचर लेखन करना स्पष्ट नहीं होता है। फिर बात करते हैं प्रस्तुतिकरण की। तो फीचर लेखन में मुख्य रूप से इस बात का महत्वपूर्ण तरीका से ध्यान रखना चाहिए कि फीचर मनोरंजन के लिए हो, सरल और आम बोलचाल में प्रयोग किया जाता हो, यानी आम साधारण व्यक्ति भी, आम पाठक भी उससे जुड़ सके, सरलता हो, मनोरंजन हो, कल्पनाशीलता हो, वो रोचकता प्रदान करे और आगे जानने की कोशिश करे। फीचर लेखन इतना आकर्षक होना चाहिए कि व्यक्ति उसको पूरा खत्म कर कर ही सांस ले। तो इस तरह से प्रस्तुतिकरण काफी रोचक होना चाहिए। शीर्षक और आमुख, एक बार पुनः इस पर बात करेंगे कि शीर्षक इतना रोचक होना चाहिए कि अच्छे तरीके से लिखा जाए, और एक अच्छे फीचर की यह खूबी हो कि ना सिर्फ पाठकों को आकर्षित करे बल्कि जिज्ञासा भी उत्पन्न करे और सार्थक भी हो। तो शीर्षक पे भी आप बात कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि आप साज सज्जा कैसे हो। तो जब तक फीचर लेखन में आप साज सज्जा नहीं करेंगे, तब तक फीचर पूर्ण नहीं माना जाएगा। इसमें उपयोग किए जाने वाले चित्र, रेखा चित्र, ग्राफिक्स आवश्यक महत्वपूर्ण पहलू है। जिस तरीके का आप फीचर लेखन कर रहे हैं उससे संबंधित आवश्यक तथ्य जुटाएं। तथ्यों के साथ उसका शीर्षक, उसकी बुनावट, किस स्टेज में आप उसको प्रस्तुत करेंगे, उसका निष्कर्ष, उसकी शैली, शैली के भीतर उसका प्रस्तुत करने की जो कला है, ये सारी चीज़ों पर बारीक विश्लेषण के साथ ही फीचर लेखन किया जाना चाहिए। फीचर लेखन की वर्गीकरण की बात करें तो एक बार देखिए आप, घटना मूलक फीचर लेखन जिसमें घटना पर आधारित बात होती है, विशिष्टता मूलक, विचित्रता मूलक और चिंतन मूलक। चिंतन मूलक किसी न किसी बिंदु पर हमें मजबूर करेगा और चिंतन करने के लिए और निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए। इन बिंदुओं को भी आप अलग अलग जगह शॉर्ट में भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं। अब एक चीज़ आप देखेंगे कि विषय की जो विविधता और उसके विस्तार की दृष्टि से फीचर लेखन निम्न प्रकार से हो सकते हैं। अगर विषय की बहुत विविधता है और उसका विस्तार करने की भी संभावना है, तो आप देखिए समाचारों पर आधारित फीचर लेखन, सांस्कृतिक, ये सब विषयों की विविधता है और इस पर विस्तार करने की संभावना भी खूब होती है। विशिष्ट घटनाओं जैसे युद्ध, फिर अकाल, दुर्घटना, दंगे, इन सब पे बहुत विस्तार किया जा सकता है। राजनीतिक घटनाओं पर, सामाजिक घटनाओं पर, वाद विवाद संबंधी, आंचलिक का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष पर संपूर्णता से जब विश्लेषण किया जाए, एक छोटा सा क्षेत्र लिया जाए और उसके संपूर्ण हाव भाव, खान पान, रहन सहन, तौर तरीके, रोजमर्रा की जीवन शैली, उन लोगों का व्यवहार, इन सब पे जब बातें की जाती है तो वो आंचलिक कहलाता है। फिर व्यक्ति विशेष पर आधारित, तो ये विषय आधारित भी है, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं। अब बात करेंगे घटना मूलक। देखिए तो पत्रकारिता की भाषा में जिसे फीचर कहा जाता है, वास्तव में वह घटना मूलक ही फीचर है, क्योंकि समाचार के मूल में कोई ना कोई घटना तो अवश्य होती है। घटना मूलक फीचर का लेखन समाचार पत्रों का एक बड़ा सूक्ष्म निरीक्षण करता है और वह उन समाचारों की तलाश में रहता है जिनमें एक फीचर के बीज होते हैं। तो घटना मूलक में यही है कि हर सूचना में कोई ना कोई घटना छिपी होती है, लेकिन जब घटना छिपी हुई है तो आप उसको देख सकते हैं कि घटना के बीच उसकी रोचकता, उसका मनोरंजन, उसका उद्देश्य और जन समूह को, मन मस्तिष्क को आकर्षित करने की कला उसमें है या नहीं, गुंजाइश है कि नहीं है उसमें। फिर विशिष्ट मूलक विशिष्ट मूलक में क्या है कि जीवन के कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें कुछ व्यक्तियों ने अपने कर्म से अपनी अलग पहचान बनाई है। जैसे आप देखते होंगे कभी कभी अखबारों में ये खबर आता है कि एक साधारण सा व्यक्ति धीरे धीरे अपना स्टार्टअप किया और स्टार्टअप करते करते वो आज इतने करोड़ रुपए का टर्नओवर करता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं विशिष्ट हो जाती हैं और उन्हें फीचर लेखन में समाहित कर लिया जाता है। अब वो क्षेत्र हो सकता है समाज सेवा, जैसे कोई व्यक्ति समाज सेवा में काफ़ी आगे निकल गया, राजनीति, कला, साहित्य, व्यापार, उद्योग आदि क्षेत्रों में चारित्रिक एवं व्यक्ति की विशेषताओं और उसकी उपलब्धियों पर संपूर्णता से बात होती है। कुछ विशेष वस्तुएं भी होती हैं अपनी विशेषता के कारण विशेष अवसरों और विशेष स्थानों पर स्वरूप ऐसा ग्रहण कर लेती हैं कि उस पर फीचर लेखन किया जाए। फिर विषय वस्तु के आधार पर इस प्रकार के फीचरों को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है और वो भाग है कि व्यक्ति परक फीचर लेखन,
या स्थान परक फीचर लेखन या वस्तु परक फीचर लेखन, इस तरह से अलग अलग विषयों में बांट दिया जाता है। तो ये विशिष्ट मूलक फीचर लेखन के तहत आता है। अब बात करते हैं व्यक्तिगत फीचर की। तो देखिए, जो व्यक्ति लोग अपने कर्म के क्षेत्र में काफी प्रचलित हो जाते हैं, उपलब्धियां प्राप्त कर लेते हैं, उनके ऊपर महापुरुषों की प्रसिद्ध हस्तियों के जन्म दिवस या पुण्यतिथि पर भी फीचर लेखन किया जाता है। जैसे वेद प्रताप वैदिक पत्रकारिता के जगत में एक बड़ा नाम रहे हैं, उनको दिवंगत हुए एक वर्ष हो चुके हैं और उनके पुण्यतिथि पर 14 मार्च को एक लेख प्रकाशित हुआ था। कह सकते हैं वो फीचर लेखन का एक हिस्सा है। वो कहाँ रहते थे, किस तरह के सोच विचार करते थे, उनका रुझान किस शहर की तरफ था, दिल्ली में रहते हुए भी वो किन अपने नैरेटिव प्लेस पर रहना चाहते थे, इस तरह की चीज़ें वो जो उजागर करती हैं। तो ये व्यक्तिगत उपलब्धियों पर भी फीचर लेखन का अच्छा एक व्यापक मंच प्रदान किया जाता है। फिर स्थान आधारित फीचर लेखन, अब जैसे कुछ ऐतिहासिक स्मारक हैं या पर्यटक स्थल है या दुर्ग है, प्राचीन मंदिर है, नदी, पहाड़, झील, इनकी विशेषताओं पर भी आराम से फीचर लेखन प्रसिद्ध होते हैं। वस्तु आधारित फीचर लेखन की बात करें तो अपनी प्राचीनता या ऐतिहासिकता या अद्वितीय होने की वजह से फीचर लेखन करने का एक मुद्दा मिल जाता है और इन वस्तुओं का ऐतिहासिक स्वामित्व स्वामियों के कारण उनकी विशेषताएं फीचर लेखन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बन जाती है। विचित्रता आधारित, विचित्र काफी होना चाहिए। संपूर्ण विश्व जो है ना, वो विविधताओं से भरा हुआ है, विचित्रताओं से भरा हुआ है। तो प्रकृति ने हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ असाधारण क्षमताएं प्रदान की है और उस आधार पे वो अपनी चीजों को प्रस्तुत करता है और वो विशेषता फीचर लेखन का हिस्सा बन जाती है। चिंता आधारित फीचर लेखन की यदि बात करें तो किसी विशेष परिस्थिति में जब एक प्रसंग अथवा वातावरण के प्रति फीचर लेखक के मन में कोई चिंतन आता है तो वो प्रस्तुत कर देता है, वो फीचर लेखन हो गया। चिंता आधारित अर्थात किसी वस्तु, विषय, घटना को लेकर जब लेखक चिंतन करने लगता है और उस चिंता मूलक फीचर लेखन में जब वो अपनी तमाम विचारों को प्रस्तुत करता है, चिंतन को, मनन को, संभावनाओं को, तो वो चिंता आधारित फीचर लेखन कहलाता है। और वो किसी विशेष परिस्थिति, संकट आदि को भी प्रकट कर सकता है आधारभूत बनाकर अपने विचारों को। ये रही संपूर्ण जानकारी फीचर लेखन की। फीचर लेखन से जो आपको सवाल आएंगे वो दीर्घ रूप में यदि आते हैं तो फीचर लेखन की परिभाषा देते हुए उसके महत्व पे बात करें, उसके प्रकार पे बात करें, उसकी विशेषताओं पे बात करें, अब तक हमने जितनी चर्चा की है वो संपूर्ण रूप से आपको हर जितने भी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी का उत्तर लिखने के लिए पर्याप्त है। यदि शॉर्ट में पूछ रहा है तो आप शॉर्ट में उस पॉइंट को उठाकर लिख सकते हैं। यदि ऑब्जेक्टिव निकल रहा है तो फीचर लेखन की विशेषता, उसके तत्व, इन सारी चीज़ों पर। तो मुझे आशा है कि यह वीडियो आपके लिए काफी लाभप्रद होने वाला है। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।